Hi everyone, myself Kavita and you are watching my YouTube channel Kavita is here. आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूँगी जिसने 6 जुलाई को जारी UGC के फाइनल एग्जामिनेशन गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है. चलिए इनसाइड स्टोरी को इवेलुएट कर लेते हैं. प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी आप पूरी स्टोरी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. ओके, बैक पेपर वाले छात्रों को भी बिना एग्जाम पूरी कराई गई है डिग्री. कोरोना संक्रमण में छात्रों के हितों का हवाला देते हुए UGC गाइडलाइन को दरकिनार कर दिया गया है. पश्चिम बंगाल की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने बिना एग्जाम कराए UG और PG कोर्स के फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है. यूनिवर्सिटी ने मौजूदा सेमेस्टर के असेसमेंट और असाइनमेंट के 80:20 के फार्मूले को आधार बनाकर रिजल्ट तैयार किया है. बैक पेपर वाले छात्रों को भी बिना एग्जाम कराए बैक पेपर वाले छात्रों को भी बिना एग्जाम कराए ग्रेस मार्क्स के साथ डिग्री पूरी कराई गई है. पश्चिम बंगाल की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी MAKAUT पूर्ववर्ती पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय के निर्देशों को मौजूदा परिस्थितियों में लागू करना उचित नहीं समझा. मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने 6 जुलाई को जारी UGC की गाइडलाइन के तहत फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम नहीं कराए हैं. यूनिवर्सिटी ने UGC की गाइडलाइन से पहले 30 जून को फाइनल सेमेस्टर छात्रों के रिजल्ट का जो फार्मूला लागू करने के आदेश जारी किए थे, उसी के तहत ये रिजल्ट जारी किया गया है. यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर सुभाशीष दत्ता की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इसमें बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ने UG और PG के फाइनल सेमेस्टर छात्रों का रिजल्ट पब्लिश कर दिया है. रिजल्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी किया गया है, जिसमें SGPA स्कोर दिया गया है. कुछ दिन बाद YGPA, DGPA और MAR स्कोर भी अपडेट कर दिया जाएगा. एग्जाम कंट्रोलर की ओर से कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने मूल्यांकन की जो वैकल्पिक व्यवस्था लागू की थी, उसके आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया गया है. MAKAUT पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसने UGC गाइडलाइन के बाद भी बिना एग्जाम कराए अपने छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया है. अब इससे दूसरे राज्य के विश्वविद्यालय और उनके अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा. अब UGC एक्ट और केंद्र के दिशा निर्देशों का क्या होगा. मंत्रालय के एक जैसे नियम पूरे देश में लागू करने की कोशिशें कैसे पूरी होंगी. जब एक राज्य की यूनिवर्सिटी ये फैसला ले सकती है, तो क्या दूसरे राज्यों के लिए भी ये विकल्प खुलेगा. यूनिवर्सिटी ने ये फार्मूला अपनाया. यूनिवर्सिटी ने 80:20 के फार्मूले पर रिजल्ट तैयार किया है. 80% अंक सेमेस्टर के दौरान चले असेसमेंट के आधार पर दिए गए हैं. इसमें 75% असेसमेंट और 5% अटेंडेंस शामिल है. लॉकडाउन के दौरान सभी की अटेंडेंस ऑन क्लास मानी गई है. बाकी 20% अंक असाइनमेंट पर दिए गए हैं. एक या एक से ज़्यादा बैक पेपर वाले छात्रों को पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रेस मार्क्स देकर उनकी डिग्री पूरी कराई गई है. यूनिवर्सिटी ने रेगुलर और सभी बैक पेपर वाले छात्रों के लिए फॉर्मल एग्जाम देने का विकल्प खुला रखा है. कोई छात्र अपने मार्क्स अपग्रेड करना चाहे तो परिस्थितियां सामान्य होने पर परीक्षाएं देकर अपना रिजल्ट अपडेट करा सकता है.